सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी क्रीम का रिव्यू करने जा रही हूँ। जो क्रीम मैंने पर्सनली 1 ईयर तक यूज़ की है और रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया, और इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसा ये वर्क करता है, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम को लेकर के, मैं आज इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में रियल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी। जो मुझसे मुझे इस मतलब इस क्रीम से जो चीज़ मिली है, जो चीज़ जिस ये हुआ है इस क्रीम से, मैं वही बताऊंगी और कैसा ये वर्क करता है, कैसा डिटेल्स में एवरीथिंग आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक पक्का से देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, ये जो क्रीम है ये कुछ इस तरह के कंटेनर में आती है, प्लास्टिक के डब्बे में आती है, और इसकी 23 ग्राम की पैकेज में आती है। और ये जो क्रीम है इसका प्राइस 63 या 64 रुपीज़ होता है 23 ग्राम का। और क्रीम का नाम है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी स्पॉटलेस फेयरनेस डे क्रीम। सो गाइज, ये क्रीम जो है डे क्रीम है, और मतलब आप इसे एज ए डे क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीम ऑयल स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग मिलती है, नॉर्मल स्किन टाइप, ऑयली स्किन टाइप और ड्राई स्किन टाइप, जैसी भी आपकी स्किन है उस स्किन टाइप की आपको मिल जाती है ये क्रीम। सो ये क्रीम जो है इसकी कंसिस्टेंसी, मैंने इसे खुद यूज़ कर लिया और ये लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और इस क्रीम को जो है मतलब कुछ इसमें लाइट पिंक टाइप की होती है ये क्रीम, आप देख सकते हैं। ये क्रीम जो है हल्की पिंकिश टाइप टोन में होती है क्रीम, और इस क्रीम को लगाने के बाद हमें माई स्किन जो है इसमें पूरा थोड़ी सी मैट फिनिश लुक आती है इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद। अगर आप इस क्रीम को अपने फेस पे अप्लाई करके छोड़ देते हो तो वो एक मैट फिनिश लुक देती है, बट ये जो लगाने के बाद जो है ज़्यादा देर तक मैट फिनिश लुक कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छी देती है, बट उसके बाद फिर ये थोड़ा सा स्वेटी होने स्टार्ट हो जाती है कुछ 2-3 घंटों के बाद। तो गाइज, मैट लुक तो देती है बट ज़्यादा देर के लिए 2-3 घंटों के बाद फिर इसे ये बहुत ही ज़्यादा स्वेटी होने लग जाता है ये क्रीम यूज़ करने के बाद। मैंने यूज़ किया है, तो आपको इस क्रीम को यूज़ करने के बाद कोई पाउडर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपकी स्किन नॉर्मल लगेगी, वरना अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा स्वेटी फील होगी। उसके बाद गाइज, इस क्रीम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फेयरनेस स्पॉटलेस क्रीम है। तो गाइज, फेयरनेस की बात करें अगर, तो अगर आप इस क्रीम को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते रहेंगे तो ये आपकी स्किन को फेयर करता है रियली में, बट अगर आप इसे यूज़ करना छोड़ देंगे देन आपकी स्किन पहले जैसी ही हो जाएगी, तो इसमें कोई नहीं। अगर आप इसे यूज़ करते रहते हैं तो देन आपकी स्किन फेयर लगेगी, और यूज़ करना छोड़ देंगे तो देन नॉर्मल जैसी थी वैसी हो जाएगी। और बात करें स्पॉट की, तो ये थोड़ा बहुत स्पॉट्स को जो है रिड्यूस करता है, पूरी तरह से नहीं बट थोड़े बहुत स्पॉट्स को जो है ये रिड्यूस कर देता है। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते रहेंगे कुछ मंथ्स तक तो हाँ, आपके स्पॉट्स को भी ये कम कर देता है गाइस। सो अच्छी क्रीम है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए डे क्रीम, जैसे आपकी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग। बट गाइस, एक चीज़ में ये है कि इसमें हमें SPF नहीं मिलता है, तो ये हमें सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें, अगर आप इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें SPF नहीं दिया हुआ है, तो आप लोगों को सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा इसे अप्लाई करने के बाद। तो बस एक ये इसकी कमी है कि आपको अगर ये क्रीम आप अप्लाई करते हैं तो इसके बाद आप लोगों को सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप अलग से यूज़ करना चाहते हैं तो देन आप आराम से इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ हार्म भी नहीं करता है। तो मैं इस क्रीम को आप लोगों को अपने स्किन के एक साइड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये क्रीम कैसा मतलब यूज़ करने के बाद कैसे आपकी स्किन लगती है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से है, और मैं आपको अपनी स्किन के एक साइड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ।
सो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसे लगाने के बाद मेरी स्किन की वन मतलब टोन जो है थोड़ी सी फेड हो गई है और बहुत ही लाइट लग रही है, और इस साइड की स्किन जो है बहुत ही लाइट मैट लुक लग रही है। इस साइड की स्किन जो है थोड़ी स्वेटी फील हो रही है और बहुत ही जल्दी क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है क्रीम, तो आप इसे आराम से परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज ये था मेरा आज का रिव्यू। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।